एक ही अनेकों सदस्य राज कर रहे हैं। भूपेंद्र जी कब आए? इनको होटल में लोग आ गए, मुझे कहा गया, जोर देके कहा गया कि इसकी फली दे। लेकिन मानिए अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा मेरा काम से चलाऊंगी, सीट कांग्रेस की ज्यादा है, मुझे सरकार को बना दे। हमें अगर तोड़नी होती तो माननीय अध्यक्ष महोदय हम बनने की नहीं दी। लेकिन अब मैं फिर मैंने इंतजार नहीं किया, थोड़ा थोड़े की परवाह नहीं की, उसके लिए समय नहीं दिया, सीधे उतर के गया मीडिया को। मैंने कहा कि मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं। मैंने कमलनाथ जी को फोन किया रास्ते से कि आपको बधाई, आपकी 114 सीट है, और सीधे गवर्नर साहब को इस्तीफा देके आया और मीडिया के रूप में गवाया। बाहर आके मैंने कहा मुझे प्रतिक्रिया पूछ, तो मैंने ये कहा नाउ आई एम फ्री। लेकिन उसके बाद मैं नहीं अध्यक्ष आज मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि हमारे मन में अगर नियत होती कि कैसे भी सत्ता में बने रहे एन कैन पिटा रहे हम तब भी सरकार। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी जब ने तय किया कि प्रतिपक्ष मित्र जो अब तक रहे उनको सत्ता में आने का अवसर मिलना चाहिए, और माननीय अध्यक्ष महोदय का शपथ ग्रहण समारोह और प्रसन्नता के भाव से सबसे मिला, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी मिला के वहां बताया गया। और उसके बाद मुझे उम्मीद थी कि सरकार कांग्रेस अब 15 सालों के बाद सत्ता में आई, बहुत अच्छी सरकार थी, बहुत ढंग से सरकार चला, वादे पूरे करे, वचन निभाएगी। और उसके बाद भी माननीय अध्यक्ष महोदय मैं छुट्टी एक दिन, अब हेलीकॉप्टर की बात हो रही थी, मैं हेलीकॉप्टर से जाता हूँ, मुख्यमंत्री तो हेलीकॉप्टर से जाता हूँ, मैं कमलनाथ जी तो हूं नहीं कि मुख्यमंत्री ना हूं तो अभी हेलीकॉप्टर मुझे मिलना है। मैं जब मुख्यमंत्री नहीं था मैं तो बाय रोड जाया करता, गोविंद सिंह जी नहीं है वो कह रहे थे वो सर्किट हाउस के कमरे हमने की बात कर रहे थे, तो दूसरा कमरे में माननीय अध्यक्ष महोदय हम भी बैठे, जसपाल जी बैठे हैं, मैं ट्रेन से रात को मंदसौर उतरा था, बीच में मैंने रूट से यात्रा की थी, और भाव करके जब हम सर्किट हाउस पहुंचे तो मुझे तो लगा कि 13 साल मुख्यमंत्री राव ठीक ठाक जगह मिले जाए, कमरे में बड़ा ताला लगा, मुझे कहा गया दरबार में, मैं तो जाने लगा यशपाल थोड़े नाराज हुए, ये गुप्ता भी थे एक्स चीफ मिनिस्टर एक्स यार के छोड़ो छोड़ो कायदे मिनिस्टर। माननीय अध्यक्ष महोदय मैं नेता प्रतिपक्ष के सम्मान से रुकने की व्यवस्था कर दूंगा, बाकी विधायकों के मान की भी चिंता कर, लेकिन हमें दूसरा कमरा दिया गया उस पर हम लड़ते रहे। अब आप तो धरना वरना देते होंगे 2-4 घंटे का, हम तो 48-47 घंटे बैठते। माननीय अध्यक्ष महोदय मैं अपना यह संकल्प व्यक्त करना चाहता हूं कि चाहे किसी भी स्थिति में रहे, मध्य प्रदेश की जनता हमारे रोम रोम में रमी है, हमारी हर सांस में बसी है, और उनकी सेवा के लिए हम जिएंगे तो उनके लिए, मरेंगे तो उनके लिए, ये केवल कहने के लिए नहीं। लेकिन सरकार क्यों गई एक बार सोच, प्रतिपक्ष के मित्रों सोच, सरकार गई क्यों? आपने 5 महापाप आज मैं गिनाना चाहता हूं। एक मिनट माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव में हमारे सदस्यों ने जो मामले उठाए थे हम अपेक्षा करते मुख्यमंत्री जी उनका उत्तर है, सरकार गिरी कैसे गिरी नहीं गिरी ये सब जानते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय के बाद बार बार कही गई, हमारे साथियों के बारे में कही,
ये कहा गया कि क्योंकि आपके पूरे बांस का फोकस सेम था, इस बार से उस बार गया, बार बार कहा गया, कई चीजों को हमको काटना पड़ा, इसलिए उसके सफाई ये दे रहे हैं। तो कोई आपने पॉइंट है कि हमारे 34 विधायक होंगे, बहुत सारे ऐसे विधायक पहली बार बोले, पहली बार चुनता है, जितने बोला अपेक्षा है कि उनके उत्तर मिल जाए। और कुछ मेरा निवेदन यह है कि मैंने तो इतनी शांति से, लेकिन गोविंद सिंह जी भी जब बैठे थे तब तो सुना। और स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा यही है कि स्वस्थ बहस हो, हम सवाल पूछे, जब आप भी सुने। पहली चीज जिसके कष्ट और कसक मेरे मन में, अमरनाथ जी की सरकार ने भ्रष्टाचार का लोक व्यापीकरण कर, मैं ये कभी नहीं कहता कि भ्रष्टाचार कभी बिल्कुल नहीं था, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि 2003 तक भी कांग्रेस की सरकार थी, कभी कलेक्टर और एसपी की पोस्टिंग में तब भी पैसा नहीं दिया गया। ये पहली बार हुआ इतिहास में कि कलेक्टर और एसपी की पोस्टिंग में भी पैसा नहीं दिया। चारों तरफ चर्चा का माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं, नरोत्तम जी बैठे दतिया, तीन कलेक्टर बने, एक नहीं दो तीन। आदत यह होती थी कि कौन कितने चेंगे पाता, एक ने दिए अगर उससे ज्यादा वाला आ गया तो दूसरे को, फिर तीसरे को। मध्य प्रदेश के इतिहास में पदों की बंदर बांट ली गई, हत्या का मामला तो रोका ही नहीं, अभी उसकी जांच चल रही है। कल हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा, संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा, लोकायुक्त का मामला चल रहा है, लोकायुक्त में
बताओ प्रमाण सिंचाई परियोजना में महा घोटाला किया गया, विधायक दिए जाते थे, टाइम नहीं मिलता था, चलो चलो चलो, ठेकेदार बड़ा आदमी कहते आओ आओ, तय होता था कौन को माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय कंपनी को 1350 करोड़ रुपया दिए, 1 रुपया वापस नहीं मिला, एडवांस मैं कोई मैं बता अरे मेरे क्षेत्र की सिंचाई योजना है टप्पो में सारा पैसा दे दिया आपने चोरों को, एक मिनट आप धैर्यपूर्वक सुन ले, देखिए आप धैर्यपूर्वक सुन ले, टेंडर की शर्तों में बांध की नींव तक निर्माण होने के बाद पाइपलाइन के पैसे का भुगतान का प्रावधान था, लेकिन आपकी सरकार ने मापदंड शिथिल कर दिए और गलत तरीके से कुल 877 करोड़ 57 लाख रुपया भुगतान किया आपने, किया आपकी सरकार ने, किया कमलनाथ जी की सरकार ने। छिंदवाड़ा कॉम्प्लेक्स पाइपलाइन वितरण प्रणाली के उपयोग में आने वाली सामग्री बिना पूरी सामग्री प्राप्त किए ही 2000 करोड़ रुपया एडवांस दे दिए गए, 2000 करोड़ रुपया माननीय अध्यक्ष महोदय, मौके पे एक चौथाई सामग्री भी प्राप्त नहीं हुई माननीय अध्यक्ष महोदय। एक और मैं सदन के माध्यम से जनता के दरबार में भी ये बात ले जाना चाहता हूँ, पेश राय पाइप प्रणाली में कौन से पाइप लगेंगे माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तय था सिंचाई परियोजना में इनमें 18 निविदाएं आमंत्रित की 2019 में और उनकी शर्तों में 25/4/2019 को संशोधन किया, पहले यह प्रावधान था कि जो प्रेस लाइन पाइपलाइन बिछाई जाएगी उसमें MS एवं DI पाइप बिछाए जाएंगे, ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए बंदर बांट करके बदल दिया गया और संदिग्ध गुणवत्ता की GRP पाइप लगाने का प्रावधान आपकी सरकार ने किया, GRP पाइप लाइन लगाने का प्रावधान, जबकि यूनिफाइड शेड्यूल ऑफ रेट में आइटम के रूप में यह शामिल नहीं था, क्यों किया पाइप फूटते किसानों के खेत में पानी नहीं जाता, सरकार आते ही हमने बदल दिया और हमने तय किया कि बेहतर पाइप भी लगाए जाएंगे, घटिया पाइप लगाने को कोई स्थान नहीं। आप उदाहरण पूछ रहे थे, आप उदाहरण पूछ रहे थे, सबूत पूछ रहे थे, जब सरकार जा रही थी उस समय आने वाली कार्यकर्ताओं मोबाइल देने के लिए इस्तीफा देने के 15 मिनट पहले 63 करोड़ का मोबाइल का सौदा करना, कमाल की सरकार, कमाल की सरकार। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्राइवेट वेयर हाउस को खरीद केंद्र बना के शहीद लोगों को उपयोग करने का काम किया था तो आपकी सरकार ने किया था, कृषि यंत्र खरीदी के मामले में घोटाला माननीय अध्यक्ष महोदय, हाईफाई अवार्ड में भी घोटाला, उद्योगपतियों पर दबाव डाला गया, कोई कंपनी थी कृष्ण पता नहीं कौन सी कंपनी थी, सुधारिया परियोजना में भी 500 करोड़ रुपए एडवांस दिया गया था, माननीय अध्यक्ष महोदय ये मैं नहीं बोलता, अगर प्रमाण की बात नहीं होगी, अगर आप कहोगे तो प्रमाण के आर्टिकल 33 सामने रख दिए जाएंगे, मैं कोई भी बात करूं तो पूरी जिम्मेदारी के साथ करूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो दूसरा बड़ा पाप यह माननीय अध्यक्ष महोदय जिसका मैं आज जिक्र करना चाहूंगा, निर्दोषों पर कार्रवाई माननीय नेता मित्र पक्ष, माननीय
माननीय कमलनाथ जी, माननीय दिग्विजय सिंह, मैं सबका आदर करता हूँ। व्यक्तिगत रूप से माननीय गरिमा का सम्मान किया है। वो आए 3 दिन पहले और उन्होंने कहा कि लोगों को झूठे केस बनाए जा रहे हैं, प्रताड़ित किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष, सरकार आती क्या हो गया है, चुन चुन के